ये वीडियो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का है। शाहजहांपुर में आती है तिलहर विधानसभा सीट। यहां से बीजेपी प्रत्याशी हैं सलोना कुशवाहा और सपा प्रत्याशी हैं रोशन लाल वर्मा। इन्हीं दोनों में यहां मुख्य तौर पर फाइट मानी जा रही है। 14 फरवरी को यहां वोटिंग थी। बीजेपी समर्थकों को कुछ बूथ पर फर्जी वोटिंग का संदेह हुआ। इसके बाद बीजेपी समर्थक और कार्यकर्ता यहां के ईसापुर गांव पहुंचे। आरोप है कि यहीं पर कुछ सपा कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया और पिटाई की। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब यहां पर पुलिस पहुंची तो उन्होंने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की ही पिटाई कर दी। आरोप यह भी है कि इसी के बाद नाराज बीजेपी समर्थकों ने एक थाने का घेराव कर लिया और फिर पुलिस ने उन्हें वहां से भगाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल है। इसमें कुछ लोग एक घर पर पथराव करते दिख रहे हैं। आरोप है कि ये लोग बीजेपी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सुबह की घटना से नाराज होकर रात को सपा प्रत्याशी रोशन लाल वर्मा के घर पर जमकर पत्थरबाजी की और कथित तौर पर फायरिंग भी की गई। इस बीच सपा ने आरोप लगाया है कि उनके एक बूथ एजेंट की हत्या कर दी गई है और इसे बीजेपी के साथ जोड़ा है। सपा ने ट्वीट किया, हार से हताश भाजपा कर रही रक्तपात। शाहजहांपुर में सपा बूथ एजेंट सुधीर यादव की हत्या सत्ता संरक्षित हत्यारों द्वारा सुनियोजित वारदात है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना। अब चाहे कुछ भी करें भाजपाई गुंडे, इस बार जनता उन्हें हरा कर चारों खाने चित कर रही है। ये थी वो बातें जो भाजपा की तरफ से और सपा की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। इस पूरे मसले पर शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने क्या कहा, सुनिए। कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थकों के साथ उनकी दौरान के साथ मारपीट की गई और उसके बाद ये भी आरोप लगाए कि कुछ लोगों को गाड़ी में बैठा के ले गए। ये ईसापुर एक गांव है, वहाँ घटना बता रहे हैं, जिसका कोई संबंध ना मतदान प्रक्रिया से, ना मतदान केंद्र से है, ना उसके परिसर से है। इस पर जब यहाँ पे लोग आए, आक्रोशित हो गए, तो उनको जाने भेजने का प्रयास किया गया। तब तक दो तीन लोगों के द्वारा और भी शिकायतें की गई कि इस का आचरण ठीक नहीं है और उसके द्वारा भी लोगों के साथ हाथापाई की गई। तो इस आरोप पर जो है जांच की जा रही है और तत्काल एसओ निगोही को लाइन ट्रांसफर किया गया है शिक्षकों से सलाह करने के पश्चात, और जो उन्होंने तहरीरें दी हैं उसके आधार पर वो करने लिखे जा रहे हैं। उनका ये आरोप है कि जो समय जो विधायक हैं श्री रोशन लाल वर्मा उनके और उनके साथ के लोगों के द्वारा ऐसी घटना की गई जिसे फायरिंग इत्यादि की बात आई है और इस पर तफ्तीश के बाद कार्रवाई की जाएगी। कुछ फर्जी मतदान का भी आरोप लगा रहे थे भाजपा प्रत्याशी। फर्जी मतदान का यदि आरोप हो तो वहीं कार्रवाई होनी चाहिए थी। वहां पर तो कोई ऐसी जानकारी में बात नहीं आई जहां पे घटना फर्जी मतदान की बात है, तो होनी चाहिए, वहां कोई इस तरह की बातें नहीं आई। बता दें कि उत्तर प्रदेश में दो चरणों के मतदान हो चुके हैं और अभी पांच चरणों के मतदान बाकी हैं। अंतिम चरण के मतदान 7 मार्च को होंगे और नतीजे 10 मार्च को आएंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।